नमस्कार, आप देख रहे हैं एक इंडियन चैनल, मैं हूं लीलाढ़ा। जैसे कि आपको पता है कि हम शाम 7 बजे हर शनिवार एक गांव की कहानी सुनाते हैं, तो आज हम आपको एक गांव की कहानी लेके आए हैं। कंडेला गांव, जो कि एक ऐतिहासिक गांव है, क्रांतिकारी गांव है, जो कि अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ता है। तो उसकी कुछ अनसुनी बातें कि गाँव के लोग कहाँ से आए थे, कैसे ये गाँव बसा, कितने साल पहले बसा, कितनी जनसंख्या है और लोगों का रहन सहन खान पान क्या है, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे तथ्य कि कहाँ से लोग बसे हैं और कितनी जनसंख्या यहाँ पे मौजूद है, तो आज हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। हम चलते हैं गांव में और आपको सुनाते हैं गांव की कहानी। बने रहिए एक इंडियन चैनल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक इंडियन चैनल, मैं हूं लीलाढ़ा। जैसे कि हम ज्ञात है आपको कि हर शनिवार शाम 7 बजे हम लेके आते हैं कहानी मेरे गांव के एपिसोड। आज हम पहुंचे हैं कंडेला गांव में, एपिसोड नंबर 5 की पर बात करेंगे और यहां पे हमारे साथ हैं जो कंडेला के जो बुजुर्ग हैं, उनसे हम बात करेंगे। वो बताएंगे कि कंडेला गाँव कैसे बसा, कितने साल पुराना गाँव है, क्या है इसका इतिहास। सर नमस्कार, स्वागत हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। कंडेला गाँव कहाँ से आया था सर ये? मैं धर्मपाल कंडेला खाप का प्रधान की तरफ से जो सुनी बुजुर्गों पर वह बताना चाहता हूँ कि हमारा गांव बालक से आया। आज से 800 साल पहले बालक से हमारा, बुजुर्गों पर सुनी कि वे चाचा और भतीजा बालक से चले, भतीजे ने इगरा बसाई, चाचा ने यहाँ कंडेला आन के बसा। तो इसके अब भी इसकी जो जिस जगह ये आन के ने इसने मोडी गाड़ी, इसके अब भी इतिहास है। एक तो भोंसड़ा के पास में आज भी कुएं के बुर्जियों के हथियार हैं देखने के लिए, उसको वहाँ रेडुआ वाला कुआ बोलते हैं। फिर हमारे बुजुर्ग ने इधर जोधवाड़ा में आन के ने मोडी गाड़ी, तो वहाँ भी उसका कोई बदेवा नहीं होया। तो उस जमाने में बुजुर्ग ने कोई साधु से पूछा कि भई आप जी, मेरे कोई आगे बदेवा नहीं होता, संतान ज़्यादा नहीं होती। तो उसने कहा कि भी आपको जहाँ पर भी बेड़े का शामी बेड़ शामी होई मिले, उसी जगह आप अपनी मोडी गाड़ देना। तो जिस जगह कंडेला गांव है, इस जगह झाड़ बहुत जड़िया में बेड़े का शामी बेड़ होई मिली, उसकी यहाँ पर अपना मोडी गाड़ दी गांव की। यहाँ से चालू हुआ कंडेला गांव। तो इसके यहाँ से कंडेले से एक तो सापुर, एक दलमवाड़ा और एक बोतवाड़ा, चार गांव बड़े हैं, बड़े गांव मानते हैं। मैं ये 28 कंडेला एक खाप है और बड़ी ऐतिहासिक खाप से, इसमें 36 बरादरी के आदमी बड़ी एकता के साथ प्रेम भाव से रहते हैं। अच्छा, कंडेला गांव का नाम कंडेला के ऊपर, कंडेला गांव का जिस टेम मैं कहता हूँ सुनी सुनाई बात पे कि भाई यहाँ जहाँ बेड़े का शामी बेड़ हो ही पाओ, यहाँ कांडों का कांडे बोझड़ों में ये टेम बैठा था और इसी कांडों की तरफ से इसका नाम कंडेला गांव रखा गया। गांव लगभग कितना साल पुराना गांव ये? मैं आज से 50 साल पहले भी जीन तहसील से इसका रिकॉर्ड कढ़ा था, 800 साल का तो रिकॉर्ड मेरे पास है कि भाई 800 साल पुराना गाँव है। और इसमें सभी बरादरी के भाईचारे के तौर से सारा गांव एकता की तरह रहता है और कोई फर्क भेदभाव नहीं है। इसने बड़े ऐतिहासिक काम करे हैं यहाँ, पहले सरकार का अपना न्याय लेने के लिए कई बार मुकाबले भी किए हैं। पहले हम सुनते हैं कि हमारे जींद वाले राजा ने रूपगुट गांव जो है हमारी खाप के अंदर है, उसमें वहाँ उसको राजा ने तंग करना सोचा किसी बात पर, तो हमारा बुजुर्ग वहाँ चला गया। उस बुजुर्ग ने वो रूपगढ़ वाला कहने लगे, भाई हम तो इस राजा ने तंग कर दिए और कोई सहयोग करो। वो बुजुर्ग देसी भाषा में कहने लगा कि भाई राजा, इस छोटे गांव ने क्यों संधावे है, तेने बुढ़ा गांव बुलावे है। तो उस टाइम वो यहाँ पर कंडेला का तो पान लगाई,
तो इतनी साइंस और इतनी वो पढ़ी लिखी बात नहीं थी। तो बुजुर्ग ने वहाँ एक साधु था वो उसके पास गए पंचायत, तो कहने लगे बाबा हम तो राजा ने तोप लगा दिया और महाराज पर राजा का मुकाबला क्या हुआ है। तो साधु कहने लगे कि भाई उस साधु का नाम बाबा निमकर के नाम से मशहूर है और उती महाराज को कई बार परिचय दे के दिखाया, भाई तुम भागी हो ना यहाँ कोई नुकसान नहीं होता, भाई तीन मृत्यु हो सके हैं एक कन्या एक कुतिया एक बछड़ी। तो वो तोप ऐसी टेम लगा दी भाई वो गांव से परली तरफ गोड़ा जाए पड़े उस साइड जाए पड़े, वही तीन मौत हुई एक कुतिया एक चुबारा, मैं उस टाइम चुबारे ही थे बस टारी ही उसमें वो पंडित की लड़की की मृत्यु हुई थी, गांव का कुछ नहीं बिगड़ा। तो गांव लंबरदारों ने कह के खाली करवा दिया भाई मेरी इज्जत में फ़र्क होगा तुम एक बार गांव ने खाली कर दो मैं पिंड को 24 घंटे के अंदर बसा दूंगा। तो 24 घंटे एक लंबरदार ने वो आज भी हम उनको लांडे कहते हैं, उसने गांव के उरली साइड आने के कहा भाई गांव यहाँ के बैठे भाई साहब परली गांव से तो गांव खाली हो गया। तो ये उरली साइड वाले लोग भाग गए, परली साइड वाले कह दिया भाई तुम यहाँ के बैठे हुए नून तो भाग गए। तो इस एक बार राजा ने मुँह की खानी पड़ी और वे गांव दोबारा फिर कुछ लोग रह गए नहीं तकरीबन, फिर दोबारा यहाँ कंडेला बस गया। फिर आगे भी सरकार के साथ कई बार जिस तरह वो भी सरकारें थी राजा जो था उस टाइम पे तो ये कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे राजा ही था। एक बार फिर इलेक्शन का टाइम भी आया इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी का टाइम पे भी यहाँ सरकार ने कैंप लगाना शुरू कर दिया। जब भी हमारे बुजुर्ग के साथ ज़बरदस्ती करने लगे तो वो कहने लगे भाई ये कंडेला है तहसीलदार साहब पुलिस को साथ ले रहा था, कहे था भाई 10 या 15 केस तो मेरे को आज ही दो। कहने लग गया ये जींद टूटी उस टाइम भी एक बार हमारी पर इस पर एक डंका ढोल कर लगाया था सापर ने कंडेले ने जींद मिनटा में तोड़ दी थी, तो कैप लगाना भी बंद हो गया और तहसीलदार और पुलिस भी यहाँ से वापस चली गई। तीसरी बार ये चौटाला साहब ने भी यहाँ इस कंडेले का पूरा विरोध किया इन बिलों के बारे में, उस टाइम में भी इस खाप ने और सारे किसान सहयोगियों ने चटेले को मुंह की खानी पड़ी, जबकि के ना ये बंद टूटा और ना सरकारें झुकी लेकिन ये खाप नहीं झुकी, आज भी ये कंडेला खाप ऐतिहासिक है क्रांतिकारी है। उसके बाद कोई और आंदोलन रहा हो जिस तरह आपने जिक्र करा कि रजवाड़ों के टाइम से ही कंडेला गांव अन्याय के खिलाफ लड़ता आया है। तो लंबा इतिहास है अन्याय के खिलाफ लड़ने का और आज भी लड़ रहा है। तो उसके बाद कोई ऐसा आंदोलन हुआ हो जिसमें कंडेला गांव बढ़ चढ़ के भाग लिया? ऐतिहासिक गांव है कंडेला खाप का और जब भी जाट आरक्षण का हो क्या है का भी हो मतलब ये एकता के परिचय देते हैं, सारे 28 एक हैं और अन्याय के खिलाफ जरूर आंदोलन करते हैं और इनकी आज भी ऐतिहासिक के तौर पर सभी जगह ये है पहचान है अगबे कंडेला खाप एक मशहूर खाप है मर्दानी खाप है। और कंडेला गांव के अंदर कितने जातियों के लोग रहते हैं? 36 बरादरी के लोग हैं, सभी एक मिलजुल कर रहते हैं, कोई बैर विरोध नहीं किसी का ना कोई, आजकल अप्रिय घटना हुई है और बहुत प्रेम से रहते हैं, बढ़िया गांव है बढ़िया रहना सहना है। धन्यवाद सर। तो अभी हमने बात की जो कंडेला खाप के प्रधान हैं धर्मपर कंडेला उनसे हमने बात की, उन्होंने बताया जो कंडेला गांव का क्या इतिहास है। बने रही हम एक युवा साथी से और बात करेंगे। तो अभी हमारे साथ एक युवा साथी हैं जो कि उनके हाथ में एक फाइल भी देख रहे हैं क्योंकि काफ़ी साल पहले उन्होंने एक इतिहास जो गांव का निकाला था वो इनके हाथ में है और ये इतिहास राजाओं के मुगलों के टाइम का इतिहास लिखा हुआ है और वही इतिहास हम आपको दिखा रहे हैं। फिर भी किसी को बुरा लगे चैनल के लिए जिम्मेवार नहीं है, हम पूरे तथ्यों और प्रामाणिकता के साथ गाँव की स्टोरी करना पसंद करते हैं।
फिर भी किसी के मन में कोई और कहानी हो तो उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। हमारी कोशिश रहती है स्ट्रिक्ट जानकारी हम चैनल के माध्यम से दें। तो युवा साथी से जानेंगे कि कंडेला गांव का एक बार इतिहास ये भी बयां करें कि कुछ छूट गया हो तो ये बताएं किस तरह का इतिहास है कंडेला गांव का, कहां से आए थे और किस तरह ये बसा, क्या नाम कंडेला गांव, क्या कैसे पड़ा। नमस्कार जी, मैं जो गांव का ही वासी हूं और मेरा नाम पवन है। तो जो बुज़ुर्गों से सुना उसके साथ साथ जो मेरे हाथ में ये रिकॉर्ड है ये इन बुज़ुर्ग ने ही लिया है जो अभी मौके पे कंडेला खाप के प्रधान भी हैं धर्मपाल जी। तो इसमें जो लिखा है वो भी पढ़ा है और इन्हीं से सुना है और गांव के और बुज़ुर्गों से सुना है, मैं उसी को दुरुस्त करना चाहूँगा कि लगभग 800 साल पहले कंडेला गाँव जो है वो बासिंदा हुआ यहाँ और ये बाढ़क से आया जी। बाढ़क जो गांव है वो हिसार ज़िले में पड़ता है, बरवाड़ा के पास ये है गांव, अभी भी हालाबाद है। तो शुरुआत में जो है गांव दालनवाड़ा में एक डाबड़ा है जिसको कहते हैं हम जोधवाड़ा, उसके पास वहां से शुरुआत हुई। उससे पहले भी जो इससे पहले का इतिहास था वो गांव काड़ता और भोंसला के बीच में है जहाँ एक कुआ है आज मौके पर मौजूद, वो रेडू कुआ ही मतलब आज भी नाम से पुकारा जाता है। तो जहाँ जहाँ भी नहीं बदेवा हुआ मतलब नहीं मतलब बढ़त हुई, वंश वृद्धि नहीं हुई, उस वंश वृद्धि के लिए मतलब एक किसी से जो आदमी से राय ले ली, वो व्यक्ति उस टाइम विशेष व्यक्ति थे या तो कोई सिद्ध पुरुष थे या कोई संत थे, उन्होंने यही बताया कि जो गांव की बस्ती है ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ एक माँ अपने बच्चे के लिए एक पुरुष के सामने हो। तो उसमें एक पशु का ही जिक्र आया है कि एक जो नर भेड़ मादा भेड़ के सामने मादा भेड़ एक नर भेड़ के सामने अपने बच्चे के लिए वो झाड़ बोझड़ों में उसका सामना कर रही थी, उसको वो बच्चे के पास नहीं आने दे रही थी। तो उस इतिहास से वहाँ से इन्होंने अपने गांव का एक खेड़ा बासित कराया और उससे ही आगे ये बढ़ा है गाँव और अब लगभग 10,000 से कम है आबादी गाँव की, 36 बिरादरी के लोग यहाँ रहते हैं। तो जहाँ ये शुरुआत हुई जोधवाड़ा के पास तो उस जगह को एक मनहूस जगह माना गया, तभी ये वहाँ से छोड़ करके इस जगह आए जहाँ पर एक क्रांतिकारी जगह है। आप सुनते आ रहे हो भी कंडेला खाप जो है या कंडेला गांव जो क्रांतिकारी गांव है, तो इनकी शुरुआती क्रांति से हुई थी जिसने अपने बच्चे के लिए सामना किया उसका। तो वहाँ से जो आया था जो व्यक्ति जोधवाड़ा डाबड़ा के अंदर मोरसवाड़ा के अंदर, वहाँ वो व्यक्ति का नाम मूसा था और मूसा के दो थे माट और भूप। तो भूप का हाल आबाद बहुत वाड़ा है और दलवाड़ा है और माट के फिर आगे दो लड़के हुए, एक काड़ा और एक दोलू। दोलू से सापुर गांव आबाद है जिसको साबपुर कहते थे पहले, और काड़ा जो कंडेला है इसके भी यहां आबाद होने के बाद इसके तीन लड़के हैं जाड़ू सेंसू और दीरू जो तीन पन्नों के नाम से जाने जाते हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये एज पर रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड जो है आज से 50 साल पहले अभी जो मौके पे मौजूद हमारे प्रधान जी हैं इन्होंने तहसील से लिया है। ये जो तहसील में जो रिकॉर्ड है ये उस समय का रिकॉर्ड है जिस टाइम जींद का जो राजा थे, जींद रियासत के राजा वो स्वरूप सिंह जी थे। तो स्वरूप सिंह जी के टाइम का ये उर्दू में लिखा गया रिकॉर्ड है, उसका हिंदी में अनुवाद करवाया गया है। तो इन्होंने जो लिखा है उस लिखे के मुताबिक राजा सूरत सिंह ने ही मतलब कंडेला गाँव को एक बार तोड़ने के लिए, उसको विखंडित करने के लिए प्रयास किया था। उस दौरान जो है गांव के एक सिद्ध जो संत रहे हैं और जिनको आज हम पूजते हैं, पूरी आस्था है पूरे गांव की बाबा नीमगर के नाम से, तो उनके कहने से गांव के लोगों ने ये उन्होंने विश्वास दिलाया था कि गांव में ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा जिससे गांव को यहां से जाने की ज़रूरत पड़े। तीन लोगों की ही मतलब तीन जीव कह सकते हैं हम लोग नहीं, तीन जीवों की मौत होगी जिसमें एक कन्या और एक कुतिया और एक बछड़ी, तो तीनों मादा होंगे ये भी उन्होंने खुलासा कर दिया था। तो उससे वो ऐसा ही हुआ क्योंकि जो राजा ने यहाँ मोर्चा खोदा था उसकी एक प्रॉपर लोकेशन नहीं बनी, एक प्रॉपर जगह नहीं बैठी, उसने जो भी बारूद असला जो लगाया वो गांव को पार करके दूसरी तरफ चला गया, वो गांव के ऊपर नहीं गिरा। तो उसके बाद जब वो गाँव कुछ आपस में ऐसी अफवाहें फैलाई गई, उस अफवाह से गाँव के अंदर कुछ तितर बितर भी हुए लोग, लेकिन बाद में राजा ने देखा कि लोग बहुत सही हैं अपनी जगह पर रुके रहे तो इनको आबाद भी करना ज़रूरी है। उन्होंने नंबरदारों से अपील करके भी गांव को आप दोबारा बसाओ, मैं गांव तोड़ने का मेरा कोई मकसद नहीं था, आज मैं इसको आबाद करो, उसमें नंबरदारों की प्रयास से दोबारा जो है गांव वहीं फिर स्थापित हो गया, फिर बसाया। तो ये तो यहां तक का इतिहास था। बीच में जो बताना चाहते थे प्रधान जियों से भी उस बात को दुरुस्त आप करवाना और करेंगे वो, क्योंकि एक उम्रदराज व्यक्ति हैं ज़्यादा सही नहीं को पता है,
बीच में जो महाराज रघुवीर के समय जो ज़मीन का मामला हुआ वो लगभग 6000 बीघे ज़मीन जो है वो गांव श्री राग खेड़ा की जो थी वो भी चार गांव से ज़मीन कटी हुई थी, वो ब्रह्मणी वाला जिसको आज डाबड़े को हम कहते हैं वो दे हुआ था वहाँ उस पर ठे हुआ था, उसको तोड़ा गया था, उसकी जगह आज श्री राग खेड़ा गाँव आबाद है और वो ज़मीन जदीद जो है वो मौल कर खेड़ा था, मौल खरीद खेड़ा की थी वो। तो उस ज़मीन के हिसाब से हम आज जो गांव कंडेला को मानते हैं वो लगभग 18000 बीघे खुद कंडेला की, 6000 बीघे जो वो उधर से खरीदी गई ज़मीन है, इसमें सारा आबादी का और कासत का एरिया आता है, 36 बिरादरी का गांव है। प्रधान जी ने सारी बात दुरुस्त करी है जो वो अपनी बात में वक्तव्य में करी है, ऐतिहासिक गाँव रहे हैं, गाँव में जति सती भी रहे हैं, मखोलिए भी रहे हैं, पहलवान भी रहे हैं, अच्छे अच्छे जो हम पुराने बुजुर्गों में जिसका हम नाम लेवा, जिसके नाम से भी गांव को नाम जाना गया है, एक लाला जी थे यहाँ गांव के सेठ हजारी, तो कई बुज़ुर्गों से हमने सुना कि एक बार कंडेला को हजारी के नाम से भी जाना गया, हजारी वाला कंडेला, वो आते जाते मुसाफिरों को पैदल चलने के रास्ते थे रोक करके उनको ठहरने के लिए आश्रय भी देते थे, खाना भी देते थे। एक बुज़ुर्ग व्यक्ति बड़े अच्छे आदमी हुए गाँव के, चिम्मन वाला कंडेला भी बजाया जी, उसके नाम से भी गांव मशहूर हुआ है। उन्होंने भी वही काम किया कि चलते फिरते मुसाफिरों को ठिकाना भी दिया और खाना भी दिया। तो गांव में ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग भी हुए जिन्होंने बगैर किसी फीस के, बगैर किसी दूसरे काम के झाड़े भी लगाए और दान पुण्य के कार्य भी करे। अब मैं दूसरी बात भी दुरुस्त करूँगा, हमारे गाँव में जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें हैं वो सारी डोनेशन से बनी हुई हैं, मतलब सहयोग से बनी हुई है। ये पहला गांव है, गांव का अस्पताल है वो डोनेशन से बना हुआ है और गांव का स्कूल है, चलो अब बाद में उसको सरकारी ग्रांट से बनाया गया, लेकिन पहले जो बनाया गया वो स्कूल उसमें जितने कमरे थे वो सारे गांव के लोगों ने सहयोग से और दान से उसको मिलकर के बनाया, वो ज़मीन भी डोनेटेड है और सारे काम जो हैं गाँव के मंदिर हैं, जो गाँव की आस्थाएँ हैं, ये जो अभी आप मेन रोड पर देख रहे हो वो एक खागड़ की समाधि है वो भी डोनेशन से बनाई गई, डोनेशन मतलब ज़मीन को दान में दिया गया। तो गांव जो है बड़ी आस्था रखता है एक दूसरे के साथ, भाईचारे में, मतलब देने की नीति है गांव की। तो अब मौके पे जो मैं ये कहूँगा भाई, गांव का जो इतिहास है ऐतिहासिक रहा है, सरकारों के साथ राजाओं के साथ क्रांति के दौरान जो है ना कभी मुँह की नहीं खाई, अन्याय के खिलाफ लड़ा है, चाहे वो कोई नसबंदी के ऑपरेशन के समय जो है गाँव के एक बुज़ुर्ग, जैसे हमारे प्रधान जी ने भी उस बात को जिक्र कराया था, मौके के सरपंच थे बोबल राम जी, तो बोबल राम जी ने अपने, जब उनको ये कहा गया, एक टास्क दिया गया कि आप गांव में कैंप लगवाओ जिससे ऑपरेशन होंगे, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे सकता हूं, मतलब वो जो मोर होती है सरपंच की उसको उन्हें और भी छोटा शब्द कहा कि फोड़ी, जैसे फावड़े के आकार में होती है वो, कबले अपनी फावड़ी ले जा, मैं किसके बच्चा ने कटवाऊँ, मतलब उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया भाई ऐसी जो बात करने से गांव के वंश वृद्धि पे, गांव के बढ़ावे पे विपरीत असर पड़ेगा। तो उन्होंने बिल्कुल उस चीज़ को नहीं स्वीकार करा। तो गांव में ऐसे लोग रहे हैं, चाहे वो किसी प्रशासनिक या सरकार के उस पर रहे हों, उन्होंने गांव को प्राथमिकता दी है भाई, गांव का भाईचारा और गांव आबाद रहे। गांव ने वो भी समय देखा है जब भारत पाकिस्तान अलग हुए, 1947 का समय था, गांव में 300 के आसपास जो है वो घर व कूडी हम कह सकते हैं मुसलमानों की थी, उसमें सिक्के पिराई तेली ये जातियाँ थी, वो शिफ्ट हुए पाकिस्तान चले गए आज के समय, लेकिन गांव में कोई भी हिंसक घटना नहीं हुई, कोई कत्लेआम नहीं हुआ, ना किसी को मारा, गांव में कभी आपसी ऐसा झगड़ा नहीं हुआ जिसमें आपसी ग्रुप का झगड़ा हो, वे कोई हताहत हो गया हो, कोई नुकसान हुआ हो। तो गांव का तो इतिहास ऐतिहासिक इस तरीके से रहा है कि उनकी क्रांति करी अन्याय के खिलाफ, कोई सरकार के खिलाफ, किसी बादशाह के खिलाफ, उन्होंने किसी व्यक्तिगत क्रांति का गाँव के अंदर या व्यक्तिगत झगड़े का कोई जिक्र नहीं है, किसी ने किसी को कोई ज़रूरत पड़ी ज़मीन की आपस में, तो ये इस रिकॉर्ड में भी जिक्र है कि जिसको जितनी ज़रूरत थी उतनी ज़मीन पे वो कासत करता चला गया और गांव बसता चला गया। तो गांव जो है 28 कंडेला खाप के नाम से मशहूर है और मेन गांव है, इसकी 6 तपे हैं, कंडेला, शाहपुर, दालमवाड़ा, बोतवाड़ा, खोखरी और रूपगढ़, ये 6 तपे हैं गाँव के, इसके अंदर 28 गाँव आते हैं। तो ये न्यायप्रिय गाँव हैं, मैं नहीं मानता कि गांव में अभी भी हर बात को लेकर के आपसी बैठ करके सुलझाने की कोशिश रहती है, इसीलिए जो आसपास के 28 गांव हैं वो ये आस्था रखते हैं भी कंडेला गांव ठंडा गांव है, बड़ा गांव है, न्यायप्रिय गांव है, बड़ा सम्मान करते हैं जो आसपास के गांव हैं, वो कभी बाहर जाते हैं, जैसे ही हमारे बुजुर्ग ही बाहर जाते हैं
तो उनको बड़े गांव वाले कह करके पुकारते हैं, तपदार कहते हैं। तो वो इस सम्मान के भाव से है कि भाई कोई भी बात हो हम इनसे मिल करके इनका सहयोग ले करके उसको ठीक कर लेंगे। ये ऐसी एक आस्था है। और गांव के अंदर पूरा गांव सिंचाई का है, पानी के साधन हैं, ट्यूबवेल के साधन हैं। इससे पहले गांव के अंदर जो है नहर का पानी भी बड़ा अच्छा था। गांव हाईवे पे है, मेन सड़क पे है, आसपास के हर गांव के लिए सड़क का रास्ता है। मतलब हर प्रकार से साफ़ सफाई को लेकर के वो जो चीज़ें रहती हैं, या आस्था को लेकर के कोई मंदिर का विवाद नहीं है। आज तक सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, इस गांव का जो मेरी जो उम्र हुई है, मैंने देखा, इन बुज़ुर्गों ने भी बताया, कदे आज तक कोई जातीय झगड़ा नहीं हुआ, कोई भी हिंसा नहीं हुई। आज तक हमारे गाँव की कोई शिकायत प्रशासन के सामने, सरकार के सामने कोई जातीय हिंसा की नहीं गई आज तक गाँव में। ये इतनी मतलब समरसता है, इतनी सद्भावना है, बिल्कुल छत्तीस बिरादरी का खेड़ा हो, शमशान भूमि हो, किसी भी बात को लेकर के, मंदिर कुएं जोड़ को लेकर के कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा गांव है। आंदोलन की बात करें तो किस किस तरह से बढ़ चढ़ के भाग लिया आंदोलन की? हाँ बिल्कुल, जो मैं मुझे ध्यान है इन बुज़ुर्गों ने देखा है, जो वो इन्होंने बयान भी किया है कि जैसे सरकार की नसबंदी का मैंने जिक्र किया, वो मैंने नहीं देखी, लेकिन इन बुज़ुर्गों ने देखी है। उस समय बिल्कुल अपने उसमें थे, होश हवास में बड़े थे ये उस टाइम। लेकिन मेरी जो मैंने जब से होश संभाला है, मैंने सरकार के साथ 2001-02 में ओम प्रकाश चौटाला जी सीएम थे, उस समय भी संघर्ष देखा है जो है, और बीजेपी शासित जो है उस समय जो है आरक्षण का समय भी देखा है। आप इस बात को दुरुस्त कर लो कि जाट आरक्षण के दौरान इस कंडेला गांव में डीसी विनय सिंह यादव, उनको बुला करके समरसता और सद्भावना के लिए एक हवन और यज्ञ का आयोजन करवाया गया, जिसमें जो है एक हम बोलते हैं यजमान के तौर पर मौके के जो उस टाइम सरपंच थे, वो बाल्मीकि कौम से थे, उनको यजमान बनाया गया। उसका कारण ये था भी गांव के अंदर ऐसा ना महसूस हो कि जाट आरक्षण से बड़ी हिंसाएं हो रही थी, रोहतक और दूसरे शहरों में तो काफ़ी संख्या में लोग मरे हैं, भाई यहाँ ना हो। उन्होंने भी अच्छा रोल प्ले कराया, मौके के जो डी सी साहब थे, वो जो शहर में सैनी धर्मशाला के साथ साथ जाटों की भी धर्मशाला थी, आपस में एक दूसरे लोगों को ये समझा करके कहा कि एक दूसरे की किसी भी सरकारी या सार्वजनिक या सामाजिक संपत्ति पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। तो लोगों ने एहतियातन ये भी बताया कि सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी गांव यहाँ कंडेला है, वो कंडेला ही, कंडेला से शांति हो जाए या वहाँ से कोई ऐसी अपील ना आए। जैसे बुजुर्ग ने हमारे सामने अभी ये बात दुरुस्त करी थी कि ढोल का डंका होता है एक शंखनाद, वो कंडेला से होता है हमेशा, कोई भी शंखनाद हुआ हो, चाहे अभी ये किसान आंदोलन था उसका शंखनाद भी कंडेला से हुआ था, तो शंखनाद कंडेला करता है और उसके साथ उसके 28 गांव रहते हैं, बड़ी ताकत होती है उनके अंदर। तो इन बुज़ुर्गों ने ये बताया ना कि ये शंखनाद अगर ना हो तो लोग नहीं आगे बढ़ते, उसको बैठ करके समझ करके निपटाया जा सकता है। तो उसी शंखनाद ना हो उस बात को रोकने के लिए मौके के डीसी साहब विनय सिंह जी यादव ने यहाँ कंडेला में यज्ञ करवाया। यज्ञ के अंदर ये बुज़ुर्ग लोग थे, उन्होंने वो शांतिपूर्ण तरीके से, और वो शांति के लिए यज्ञ किया गया था। तो ये तीन तो मैंने देखे हैं, वो अपना किसान आंदोलन, जाट आरक्षण का जो एक संघर्ष था उस समय का, तो और ये अभी बिल माफी का जो था, वो बिजली बिल का था, वो मैंने देखा है। इन तीनों में गांव ने एकता का भी परिचय दिया है और संयम का भी परिचय दिया है। ये अब बार बार ये बात आती है, अब आप अपने चैनल से भी इस बात को लोगों तक पहुंचाने का कर सकते हैं। कंडेला में जब भी संघर्ष हुआ है तो जैसे हमारे बाबा की ये कोई नगरी के ऊपर ही कोई विशेष कृपा है, जिसने कहा था कि यहाँ नगर मत बिछड़ने देना, विखंडित मत होने देना, यहाँ किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो वो बात आज भी कायम है। तीनों संघर्ष मैंने देखे, कभी भी यहाँ का एक भी आदमी हताहत नहीं हुआ, ना कोई मरा है। अब कंडेला कांड के नाम से, जो ये कंडेला कांड के नाम से मशहूर है, भाई चौटाला के संघर्ष के दौरान यहाँ के किसान मरे, कोई किसान नहीं मरा यहाँ। ये आंदोलन लंबा चला, वो गुलकणी में मरे हों या किसी दूसरे स्थान पर मरे हों, कंडेला की जो भूमि है, कंडेला की जो जमीन है, जहाँ कंडेला आबाद है, तो उसके अंदर कोई आदमी हताहत नहीं हुआ, ये विशेष कृपा। जो ये खागड़ का क्या रोल रहा दोस्तों? खागड़ का रोल ये रहा जी, देखो वो गांव का एक सांड था और काफ़ी शांति प्रिय सांड था वो, तो जिस दौरान जो संघर्ष चल रहा था यहाँ, उसमें जो फोर्स लगाई हुई थी, उसमें अलग अलग तरह की फोर्स थी, जो पैदल भी थी, गाड़ियों से भी आई थी, एक जो गाड़ी थी जिसको आजकल हम कहते हैं वो पानी छिड़कने वाली, तो हाँ वाटर कैनन जिसको हम कहते हैं, और ये घोड़ा के ऊपर जो टुकड़ियाँ थी पुलिस की, वो भी तैनात करी गई थी। अब वो जो घोड़ा पुलिस के साथ साथ जो यहाँ एक मार्च निकाला जा रहा था ना,
उस दौरान जो है उस सांड ने सिर्फ जो घोड़ा पर तैनात फोर्स थी उसका विरोध किया और उसको वहाँ से खदेड़ने का भी काम किया। उससे मतलब ये लग रहा था कि यहाँ का हर जीव मतलब मिट्टी का कण तक भी सरकार के विरोध में है। वो नहीं चाहता कि गांव टूटे या गांव के ऊपर कोई ऐसी तोहिन हो भाई गांव यहाँ से विखंडित हो गया। तो वो इतिहास है। उसके बाद लोगों ने देखा कि एक सांड ने मतलब अपनी एक इस तरह से निष्ठा का और गांव के प्रति एक वफादारी का परिचय दिया है। सांड तो सांड ही है लेकिन उसको एक प्रतीक भी माना जाता है जिसको हम दादा खेड़ा कहते हैं। उस पर अक्सर जो है ना दादा खेड़ा की प्रतिमा होती है। तो लोगों ने हिमालय भी ये साक्षात जो है क्योंकि गांव एक उस तरह की है ना देवी देवताओं की भावनाओं पर काम करने वाला गांव है। आपको मैं बता चुका हूँ भाई बाबा निमगढ़ में कितनी आस्था लोगों की। तो जो वो खेड़े का जो समय था ना जो खेड़े की बात कही भाई इसको हम दादा खेड़ा ही मान लें। तो जब दादा खेड़ा हमारे गाँव को नहीं टूटने दे करके और वो सांड के रूप में सामने आया है तो लोगों ने उसकी बड़ी सेवा पानी भी करी। अपना समय जो है वो जैसे वो बुजुर्ग हो गया बड़ी उम्र का हो गया तो उसके बाद उसका देवासान भी हो गया तो उसके बाद उसकी यादगार में वो ज़मीन जो है रोड के साथ लगती थी। वो गांव के व्यक्ति ने जो टेकराम जी हैं उनके पिताजी का नाम जुगलाल है वो जीवित थे उन्होंने गांव के लोगों के कहने से मांगने से और वो हाईवे पे ज़मीन दे दी। उसमें उसकी यादगार में एक समाधि बनाई हुई है उसकी प्रतिमा भी लगी हुई बड़ा भव्य अच्छा है। वो लोगों की बड़ी आस्था है। आसपास ये मैंने आपको जो जिक्र कराया था चार गाँव बड़े हैं कंडेला शाहपुर दालांवाड़ा बोतवाड़ा तो इन्हीं की जो आगे फिर है ना ब्रांच हैं इनकी शाखाएं हैं। ऐसे कंडेला की शाख कैरखेड़ी होगी और शाहपुर की शाख लोचब होगी बोतवाड़ा की शाख मनोपुर होगी दालांवाड़ा की चार शाखाएं हैं बरसाना खुंगा रायचंदवाड़ा तो ये उसकी शाखाएं हैं। शाहपुर की भी पहुँच और शाहपुर की भी आगे शाखाएं हैं इन बुजुर्गों ने बताया। जीवनपुर भी उसी की शाखा मानी जाती है। लोचब मैंने आपके सामने जिक्र किया है। तड़ोड्डा और खेड़ी भी उसी की ब्रांच हैं। तो साथ में जैसे गांव खोखरी लगता है इसको कंडेला गांव का भांजा माना जाता है। ये जो ज़मीन है वो कंडेला की ज़मीन से जो कुल रकबे में से काटी गई है ये कंडेला का भांजा था खोखरी और खोखरी से फिर आगे मांडो जो है वो बसाया गया है। उसके साथ आगे निर्जन है धोड़ी है इधर साथ में जो है अयरका गाँव है रूपगढ़ और जीतगढ़ हैं ये भी बड़े मेन गाँव हैं। दो झांझ कला और झांझ खुर्द हैं। जुलाणी भी कंडेला खाप के अंदर ही आता है। तो ये फैलाव जो है ये यहाँ तक है 28 गांव का एक जगह हमारा यहाँ है। सब लोगों का आपस में बड़ा आपस में भाईचारा है एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ठीक है सर। तो आज आपने देखा कंडेला गांव की कहानी और कुछ ऐसी अनसुनी बातें जो आज तक शायद आपको नहीं पता होगा। तो इसी तरह से जुड़ी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से लेके आते हैं। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। मैं निलाड़ा एकेड न्यूज़ के लिए जींद सिंह।